हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देसी स्टेशंस। गेस कीजिए ये जगह आपने कौन सी मूवी में देखी है। ये बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं वो किसी फेमस बॉलीवुड मूवी का मेन पोस्टर का सीन है और वो मूवी है शादी में जरूर आना। इन्हीं बैकग्राउंड्स और इसी पुल पर राजकुमार राव और कृतिक हरबंदा ने अपना अभिनय आजमाया है। इस ब्यूटीफुल डबल डेकर हिस्टोरिक ब्रिज के निर्माण अधिकारी सर रॉबर्ट रिचर्ड गेल्स थे, जिन्होंने हमारे सामने इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना पेश किया जो 114 वर्षों के बाद भी टिका हुआ है। वर्ष पुराना गंगा नदी पर बना यह लॉर्ड कर्जन ब्रिज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। सन 1901 में इसे बनाने के आदेश दिए गए और 1905 में यह बनकर पूरा हो चुका था। इस डबल डेकर ब्रिज में नीचे से ट्रेन जाती थी और ऊपर सड़क यातायात के लिए भी व्यवस्था थी। जून 1905 में रेल सेवा स्टार्ट कर दी गई थी और दिसंबर 1905 में सड़क यातायात के लिए भी यह पुल खोल दिया गया। ऐसा ही एक और ऐतिहासिक ब्रिज इलाहाबाद में यमुना नदी पर बनाया गया है, जिसमें नीचे से सड़क यातायात और ऊपर से ट्रेन जाने की व्यवस्था है और वो ऐतिहासिक पुल अभी भी कार्यरत है। सन 1998 में इंडियन रेलवे ने इस पुल का उपयोग करना बंद कर दिया था। गंगा गोमती एक्सप्रेस वो लास्ट ट्रेन थी जो इस पुल पर दौड़ी थी। इसके बाद रेल यातायात और सड़क यातायात के लिए इसी पुल के समानांतर दो पुल बनाए गए। ब्रिटिश इंडिया में यह ब्रिज इलाहाबाद प्रोविंस को अवध प्रोविंस से जोड़ता था। सन 1899 से 1905 के बीच इंडिया के वॉइसराय रहे लॉर्ड कर्जन के नाम पर इस पुल का नाम दिया गया। बाद में उपयोग न हो पाने के कारण इंडियन रेलवे इसे गिरा देना चाहती थी, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते इसे प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। भविष्य में इस ऐतिहासिक पुल को टूरिज्म के रूप में डेवलप कर यहाँ पर स्काई वॉक, लैंडस्केपिंग, लाइटनिंग और फुट प्लाजा बनाने की प्लानिंग है। अगर आपको आज का हमारा ये लॉर्ड कर्जन ब्रिज का वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देसी स्टेशंस को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते हैं।